इसी तरह क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट है, ये बिल्कुल एज इट इज है जिस तरह क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट था। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम दोबारा अगेन करते हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं, 2x+5 = 11 और -2x+5 = 11, जस्ट एज इट इज, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर टू के फर्स्ट पार्ट में किया था। अब यहां पर x को आइसोलेट करने के लिए 2x एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 11, 5 इक्वल के उस साइड पर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। अब 2x 11 में से माइनस करना है 5 को, तो ये 6 आ जाएगा। अब क्योंकि 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब 2 उस साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं बोथ साइड्स को 2 से डिवाइड कर देना। अब x इज इक्वल टू, क्योंकि 2 3 टाइम 6 होता है, इसलिए x की वैल्यू एक हमारे पास 3 आ जाएगी। इसी तरह दूसरी x की वैल्यू जो है हम ऐसे निकालेंगे, इस को इनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, -2x -5 = 11। नेक्स्ट स्टेप में -2x = 11 एज इट इज रहा, क्योंकि ये -5 है तो इक्वल के उस साइड पर जाके ये +5 हो जाएगा। अब -2x = 16। अब हमने क्योंकि x को आइसोलेट करना है, हम बोथ साइड्स को -2 से डिवाइड करेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि ये -2 जब उस तरफ शिफ्ट किया तो ये डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू आ गई, क्योंकि 2 8 टाइम 16 होता है और माइनस साइन उसी तरह रहेगा हमारे पास, तो x की दूसरी वैल्यू -8 निकलेगी। अब हमने क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज निकल आई, अब हम इनको प्लग इन करेंगे कोई एन वन में और चेक करेंगे कि सोल्यूशन हमारा ट्रू है या फॉल्स है। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देते हैं, और चेक करने के लिए पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास 3 आई थी, इसको इक्वेशन वन में पुट करते हैं। तो जहां पर एक्स आता है 2 के साथ, वहां पर हम 3 लिख देंगे, एक्स की जगह +5 = 11। अब 2 3 times 6 + 5 = 11। अब क्योंकि 6 + 5 = 11 होता है, और 11 की एब्सोल्यूट वैल्यू 11 ही आ जाएगी, तो 11 = 11। तो ये क्योंकि ट्रू है, सो एक्स इज इक्वल टू 3, ये जो वैल्यू हमारी निकली थी हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगी, सो एक्स इज इक्वल टू 3 इज आवर सॉल्यूशन, या ये लिख सकते हैं सो एक्स इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन। बिल्कुल इसी तरह हम चेक करते हैं एक्स की दूसरी वैल्यू जो कि -8 निकली थी, इसको भी हम कोई अनुमान में पुट करके चेक करते हैं कि इसके लिए इक्वेशन की बोथ साइड्स इक्वल निकलती हैं या नहीं। तो हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू -8 इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में जहां पर एक्स आ रहा है वहां पर हम -8 पुट कर देंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे ही एक्स की जगह -8 हो गया, +5 = 11। बाकी सारी टर्म हम एज इट इज लिखेंगे, जस्ट एक्स की जगह -8 पुट करेंगे, तो -8 × 2 − 16 + 5 = 11। अब -16 + 5 − 11 बनता है, लेकिन क्योंकि ये एब्सोल्यूट है और हमें पता है एब्सोल्यूट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर, सो यहां पर ये नेगेटिव हमारा रिमूव हो जाएगा, 11 = 11, तो ये भी ट्रू हो गया। ये माइनस कैसे रिमूव हुआ है, इसको हमने पिछले लेक्चर में बड़ी तफसील से डिस्कस किया था। अब क्योंकि दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई हैं, तो एक्स की दूसरी वैल्यू ने भी इसे कोई इनको सेटिस्फाइड कर दिया, सो एक्स इज इक्वल टू -8 भी हमारा सोल्यूशन होगा। तो हम सोल्यूशन सेट हम आखिर में लिखेंगे जो दोनों एक्स की वैल्यूज हमारे पास निकली हैं जिन्होंने इक्वेशन वन को
सेटिस्फाई की है वो है एक्स इज इक्वल टू 3 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 8। तो ये दोनों हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होंगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, इसके दोनों साइड्स पर एब्सोल्यूट वैल्यू इन्वॉल्व हो रही है, तो इसको हम जरा एग्जांपल से समझते हैं। देखें यहां पर अगर हमारे पास एक इक्वेशन है जिसके बोथ साइड्स पर एब्सोल्यूट इन्वॉल्व हो रहा है, तो अगर हम बाय कंसेप्चुअली देखें तो बोथ साइड्स पर या तो हम एब्सोल्यूट एक्स से डिवाइड करेंगे या एब्सोल्यूट वाई से डिवाइड करेंगे और अज्यूम करेंगे एक्स और वाई बोथ नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर हम दोनों साइड्स पर एब्सोल्यूट वाई से डिवाइड कर दें तो यहां पर हमारे पास 1 बचेगा। अब जो पिछले लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी देखी थी एब्सोल्यूट वैल्यू की, फोर्थ प्रॉपर्टी, उसमें ये था अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो उनके एब्सोल्यूट अलग अलग हो तो उनको एक एब्सोल्यूट में लिख सकते हैं, इसी तरह अगर एक एब्सोल्यूट में लिखी हो वैल्यूज तो उनको अलग अलग एब्सोल्यूट में लिख सकते हैं। अब यहां पर डेफिनेशन के मुताबिक प्लस एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू 1 और माइनस एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू 1 आएगा, तो ये एक्स इज इक्वल टू वाई या माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। बिल्कुल इसी तरह यहां पर हम दो कंडीशन बना लेते हैं, जिस तरह की ये एक्स इज इक्वल टू वाई बना है दोनों पॉजिटिव, और नेक्स्ट जो दूसरी कंडीशन है उसमें एक को नेगेटिव लेंगे और एक को पॉजिटिव। तो यहां पर हम करते हैं 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 6x माइनस 7, और दूसरी इसी तरह एक तरफ हम माइनस लगा लेते हैं 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 6x माइनस 7। अब बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम एक्सरसाइज 7.1 से करते हुए आ रहे हैं कि हमने x को आइसोलेट करना है, हम जो x की वैल्यूज हैं उनको इक्वल के एक तरफ शिफ्ट करेंगे, ये 2x एज इट इज रहेगा, ये 6x जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 7, इसी तरफ रहा ये जो 3 आएगा उस तरफ तो माइनस 3 हो जाएगा, तो 2x माइनस 6x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 7 और माइनस 3 माइनस का 10 हो गया। अब बोथ साइड्स पर हम माइनस 4 से डिवाइड करते हैं ताकि x हमारे पास आइसोलेट हो जाए, या हम ये कह सकते हैं कि माइनस 4 इक्वल के उस साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 4 से कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस से प्लस हो गया, x इज इक्वल टू 2 2 टाइम 4 और 5 2 टाइम्स 10, और माइनस आपस में प्लस हो गए, x की वैल्यू आ गई 5/2। बिल्कुल इसी तरह यहां पर हमारे पास बाहर माइनस है तो माइनस अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 6x माइनस 7। अब ये याद रखना है कि इन दोनों इक्वेशंस को हम इंडिविजुअली अलग अलग हल करेंगे, इसका उसके साथ एज इट इज कोई तअल्लुक नहीं है। अब देखें हमने x को आइसोलेट करना है, माइनस 2x इस तरफ रहा, ये 6x इस तरफ आके माइनस का 6x हो जाएगा, इसी तरह माइनस 7 एज इट इज रहा, ये माइनस 3 उस तरफ जाके प्लस का 3 हो जाएगा। अब माइनस 2x और माइनस 6x माइनस का 8x हो जाएंगे, इसी तरह माइनस 7 प्लस 3 माइनस का 4 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि माइनस 8 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम बोथ साइड्स पर माइनस 8, बोथ साइड्स को माइनस 8 से डिवाइड कर देंगे, माइनस माइनस से कैंसिल आउट और 8 8 से कैंसिल आउट होके x इज इक्वल टू यहां पर 4 1 जर 4 और 4 2 टाइम 8 माइनस माइनस से प्लस 1/2। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक x की वैल्यू 5/2 निकली और दूसरी x की वैल्यू 1/2 निकली। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, अब इनको जो गिवन ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें हम पुट करेंगे और चेक करेंगे कि वो इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है या कि नहीं। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे और चेक करने के लिए हम प्लग इन करेंगे x की फर्स्ट वैल्यू जो आई है 5/2, इसको इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 जो है हमारे पास वो इंप्लाइज दैट जो जगह x आ रहा है 3 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह, क्योंकि हमारे पास 5/2 है तो हम 5/2 पुट करेंगे इज इक्वल टू राइट साइड पर हमारे पास 6 इंटू एक्स की जगह 5/2 माइनस 7
इज इक्वल टू, अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास टू टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास टू थ्री टाइम्स सिक्स हो जाता है, तो थ्री प्लस फाइव, और राइट साइड में थ्री फाइव टाइम 15 माइनस सेवन, थ्री प्लस फाइव एट हो जाएगा, और यहां पर भी 15 माइनस सेवन एट हो जाएगा, तो ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई, तो सो हमारा एक्स इज इक्वल टू 5/2 जो है वो सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। सिमिलरली इसी तरह हम चेक करेंगे दूसरी वैल्यू को एक्स की, जो के 1/2 है, और यहां पर मैं एक बात आपको बताता चलूं कि ये कोई हमारे पास लाजमी नहीं है कि हम एक्स की जो पहली वैल्यू है जो हमने लेफ्ट साइड पर निकाली है उसी को पुट करें, दोनों वैल्यूज को हमने पुट करना होता है तो हम किसी भी तरतीब से पुट कर सकते हैं, तो इसको भी वन में पुट करते हैं, वन इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास थ्री इंटू थ्री प्लस टू इंटू एक्स की जगह 1/2 इज इक्वल टू सिक्स, एक्स की जगह 1/2 माइनस सेवन। अब नेक्स्ट देखेंगे हम थ्री प्लस टू, टू से कैंसिल आउट होके वन बचेगा यहां पर, इज इक्वल टू थ्री टू टाइम्स सिक्स, थ्री माइनस सेवन, थ्री प्लस वन फोर हो गया, और यहां पर थ्री माइनस सेवन माइनस फोर हो गया, और फोर इज इक्वल टू फोर, यहाँ पर एब्सोल्यूट की डेफिनेशन के मुताबिक माइनस फोर है, तो क्योंकि ये लेस देन जीरो है तो माइनस हम बाहर लगाएंगे, एक माइनस माइनस प्लस होके फोर इज इक्वल टू फोर, तो ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं जिस तरह के हमने पिछले लेक्चर में तफसील से देखा था इसको। अब ये दोनों साइड्स भी इक्वल आ गई तो ये भी ट्रू हो गया, सो जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास जो दूसरी वैल्यू थी 1/2 ये भी हमारे सोल्यूशन का हिस्सा है, सो हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे 5/2 और 1/2 जो कि हमने दोनों वैल्यूज फाइंड आउट की थी अर्लियर।